टीटीपी बेलगाम, हुकूमत अकल से ले काम, कप्तान का शहबाज सरकार को मशवरा। इंटरव्यू में कहा कि मुल्की मईशत को तबाह करने वाले को बार बार समझाया, नून लीग मईशत तबाह तो कर सकती है, संभालने की सलाहियत नहीं रखती। 1999 और 2018 में मुल्क को बैंक करप्ट डार की पॉलिसीज ने किया। कहा गया तसलसल चाहते हैं, अमेरिका में हुसैन हकानी के जरिए चोरी का सिलसिला चलता रहा। बाजवा को बार बार कहा दहशतगर्दी का डर है, ख्याल करना है। आए पार्लियामेंट में आए, अपने आप को लीडर कहते हो, सियासतदान कहते हो, जमहूरी पसंद मानते हो, तो आए पार्लियामेंट में बैठे, अपना काम करें, आए पार्लियामेंट का हिस्सा बने, वहां अपना किरदार अदा करें, और आए हम मुकाबला करते हैं इलेक्शंस, आए हम रिफॉर्म्स की बात करें, आए साफ शफाफ इलेक्शंस के रिफॉर्म्स के लिए अपना हिस्सा डालो। बिलावल भुट्टो ने तहरीक इंसाफ को मुजाकरात की पेशकश कर दी, कहते हैं पार्लियामेंट आए, रिफॉर्म्स पर बात करें, फिर इलेक्शन पर भी बात कर लेंगे। इमरान खान खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं तो पार्लियामेंट का हिस्सा बने। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो शहीद की 15वीं बरसे से खिताब, बरसे की तकरीब में मुल्क भर से जियाले शरीक। पहले इंतखाबात की तारीख का ऐलान, फिर मुजाकरात होंगे। शाह महमूद कुरैशी का बिलावल को जवाब, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बिलावल ने इमरान खान के खिलाफ साजिश का एतराफ़ तो कर लिया, ये भी बता दें कि इस जुर्म में कौन कौन शामिल था। कौम इस साजिश का खुमियाजा भुगत रही है, सारा निज़ाम दरहम बरहम, मुईशियत का बुरा हाल। के भाई को दो गोलियां मारी हैं पुलिस वालों ने, और चार अहलकार आए थे मेरे पास, 125 पे आए थे। बस वाले ये भी कह रहे हैं कि उनके पास असला था, जबकि असला उनके पास कोई बरामद नहीं हुआ। ये बंदा जो है वो सीढ़ी पे उल्टा होकर पड़ा हुआ है और उसको दो फायर लगे हुए, यहाँ से हॉस्पिटल लेके जाए या गिरफ्तारी करें उसकी, ऐसा कुछ भी नहीं किया, बस वो यहाँ से सीधा निकल गए। डाकों के सामने बेबस शाहीन फोर्स शहरियों के सामने शेर बनने लगी। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में जाली मुकाबले में नौजवान कत्ल, सीसीटीवी फुटेज ने सफाकी की दास्तान खोल दी। मकतूल शख्स हाथ उठाकर फायरिंग से रोकता रहा, पुलिस अहलकार गोलियां चलाने से बाज नहीं आए। डीआईजी के हुक्म पर तीन अहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, वजीर अला सिंह ने नोटिस ले लिया। लवाहिकीन का लाश थाने के सामने रखकर एहतजाज, धरना दे दिया। मेरे बेटे को किस जुर्म में कत्ल किया गया, वजीर अला इंसाफ दिलाएं, दुखियारी मां की अपील। शाहीन फोर्स के अहलकारों के खिलाफ शफाफ तहकीकात का मुतालिबा, कहा उनका बेटा अपने काम से काम रखने वाला था, सीढ़ियों पर क्यों गोली मारी, उसका जवाब दिया जाए। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ, सिक्योरिटी इदारों ने तीन सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए। वजीर दाखिला राना सनाउल्ला कहते हैं कि 4 से 5 अफराद को राउंड अप किया है, ये लोग कुरम एजेंसी से चले और पिंडी में कायम किया। टैक्सी ड्राइवर वाकये में मुलव्वस नहीं है, उन्होंने इसको हायर किया था। हुकूमत के तहरीके इंसाफ के इस्तीफों की मंजूरी में ताखीरी हरबे, इस्तीफों की तस्दीक के तरीकाकार पर तहरीके इंसाफ का वक्त जुमेरात को स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ से मुलाकात करेगा। इमरान खान से मुलाकात के बाद फवाद चौधरी ने कहा कि हम कौमी असम्बली में इस्तीफे देना चाहते हैं, मगर स्पीकर भाग रहे हैं, अगर ऐसा ही मामला रहा तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ जाएगा। जो हुकूमत इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन से भाग रही है, वो मुल्क में इलेक्शन कब कराएगी। शहबाज हुकूमत के हथकंडे काम कर गए, इस्लामाबाद में 31 दिसंबर को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया, इंतखाबात का शेड्यूल भी मंसूख कर दिया गया। यूसीज में इजाफे के बाद इलेक्शन मुलतवी किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने समाप्त के दौरान कहा कि हुकूमत ने हमारे लिए बड़ा मसला बना दिया, इससे पहले यूसीज में इजाफे का ख्याल क्यों नहीं आया, सूबाई हुकूमतें इलेक्शन नहीं चाहती। पीडीएम का इलेक्शन से फरार, तहरीक इंसाफ ने इंट्रा कोच अपील दायर कर दी। असद उमर कहते हैं कि मालूम था इलेक्शन कमीशन इंतखाब नहीं कराएगा, अब सिद्धू हुकूमत कराची हैदराबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कराने की कोशिश करेगी। हुकूमत मुल्क के किसी इलाके में इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकती, ये ऐसी जमहूरियत चाहते हैं जिसमें जमहूर का कोई ताल्लुक नहीं हो। महंगाई हो गई तो अब खुद मर गए हम लोग, गरीब मर गए, सब लोग मर गए, हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे हम लोग।
पहले हम लोग आटा 5 किलो घर पे ले आ रहे थे, अब 1 किलो आटा ले आ रहे हैं। पहले जो इमरान खान की हुकूमत थी उसमें फिर अल्लाह का शुक्र था, इसमें बहुत ज्यादा कोई चीज खरीद नहीं सकते, हमारी इतनी सैलरी नहीं कि हम घर का गुजारा। शहबाज सरकार में आवाम दो वक्त की रोटी से भी महरूम, चक्की मालिकान की मनमानी अरूज पर कोई लगाम देने वाला नहीं। कराची में आटा 145 रुपए तक जा पहुंचा, लाहौर में 140 रुपए का हो गया। मुल्तान हैदराबाद समेत दीगर शहरों में भी कीमतों को पड़ लग गए, अंडों की कीमत में होशरबा इजाफा, सब्जी और गोश्त भी आम आदमी से दूर। मौलाना तारिक जमील को दिल का दौरा, अस्पताल मुंतकिल किया गया। बेटे यूसुफ जमील कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील इस वक्त कनाडा में हैं। दिल का दौरा पड़ने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड का कमबैक, मेहमान टीम ने खेल के इख्तिताम पर बगैर किसी नुकसान के 165 रन बना लिए, 273 रन का खसारा बाकी। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 438 रन पर आउट, बाबर आजम 161, आगा सलमान 103 रन पर आउट हुए, सरफराज अहमद ने 86 रन स्कोर किए। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत बरकरार, मैदानी इलाकों में धुंध का राज, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। धुंध के बायस परवाह से मुतासर मोटरवे कई मुकामात पर बंद, आज पलाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा, PDMA ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। कवेत का मौसम यकदम तब्दील, मूसलाधार बारिशों के साथ याला बारी, जल थल एक, कई इलाकों में सैलाबी रैले, मुतादिद गाड़ियां भी बह गई। निजाम जिंदगी दरहम बरहम, महकमा मौसमियात ने हाई अलर्ट जारी कर दिया, बारिश का सिलसिला कुछ इलाकों में शिद्दत इख्तियार कर सकता है। और अमेरिका और कनाडा में बर्फानी तूफान, अमरीकी बस्ती रियासतों में शदीद तबाही, 59 से ज्यादा अफराद हलाक, रियासत न्यूयॉर्क शदीद मुतासर, हलाकतों की तादाद 40 हो गई। अमान और UAE में तूफानी बारिशें, जल थल एक। मैं इमरान खान, आप बोल्ड न्यूज देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।